नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। इस सीरीज़ के पार्ट वन से लेके पार्ट फोर तक के वीडियोस में हमने क्रोशिया की सभी बेसिक स्टिचेस सीख लिए हैं। चारों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आज के फिफ्थ पार्ट की वीडियो में हम क्रोशेट में इंक्रीज करना और डिक्रीज करना सीखेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रोशिया में इंक्रीज करना बहुत ही इजी है। आप जो भी स्टिच ले रहे हैं, बस हमें क्या करना है, उस जगह पर एक के बजाय दो स्टिचेस बनानी है। नॉर्मली हम हर स्टिच पर एक एक स्टिच बनाते हुए चलते हैं। जैसे इस स्टिच पर मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट स्टिच पर मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब मान लीजिए हमें नेक्स्ट स्टिच पर एक इंक्रीज करना है, यानी एक जगह पर एक के बजाय और दो बना लेंगे, तभी इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपली हम नेक्स्ट स्टिच पर गए, हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर उसी जगह पर दोबारा अपने हुक को इंसर्ट करके एक और सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो देखिए अब हमारे पास दो स्टिचेस बन गए, एक जगह पर दो बन गए, तो यहीं पर एक हमारा स्टिच इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए फिर दो स्टिचेस हम नॉर्मल बनाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और फिर इस पॉइंट पर हमें एक दूसरा इंक्रीज करना है। तो इस स्टिच पर हम दो सिंगल क्रोशिया बना देंगे, ये एक, और उसी स्टिच पर दोबारा से हुक इंसर्ट करके दो। अब हम देखते हैं कि सिंगल क्रोशिया में डिक्रीज कैसे करते हैं। जब भी हम कोई स्टिचेस क्रोशिया में डिक्रीज करते हैं, तो जो भी हम स्टिच बनाने वाले होते हैं उसके लास्ट स्टेप पर हमें रुक जाना है। फिर एक दूसरा स्टिच हमें स्टार्ट करना है, उसके भी लास्ट स्टेप पर हमें रुकना है, और लास्ट में उन दोनों को एक साथ खत्म करना है ताकि दो से एक स्टिच बन जाए। देखिए कैसे। तो पहले इस स्टिच में हम अपने हुक को इंसर्ट करेंगे, ऊन खींच के बाहर निकालेंगे। अब देखिए हमारा इस स्टिच के लिए लास्ट स्टेप बचा हुआ है, इसको खींचेंगे और निकालेंगे तो लास्ट स्टेप बन जाएगा, तो इसे हम नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले स्टिच पर इंसर्ट करेंगे, ऊन खींच के निकालेंगे। इस स्टिच को भी हमने बनाना शुरू किया लेकिन लास्ट स्टेप के आगे रुक गए, तो दोनों स्टिचेस हमारे आधे आधे बने हैं। अब हम जब ये लास्ट स्टेप करेंगे तो दोनों में से निकाल के इस स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो स्टिचेस थे लेकिन इन्हें मैंने ऊपर से एक ही स्टिच बना दिया। तो इस तरह से करते हैं सिंगल क्रोशिया में डिक्रीज। देखिए फिर से डिक्रीज देख लेते हैं। इस स्टिच में हम इंसर्ट करेंगे, ऊन खींचेंगे, लास्ट स्टेप अभी बचा हुआ है तो वहाँ पर रुक जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करके ऊन खींचेंगे। अब दोनों स्टिचेस के लास्ट स्टेप बचे हुए हैं तो दोनों स्टिचेस के लास्ट स्टेप को एक साथ करते हुए खत्म करेंगे। तो इस तरह से हमने दो स्टिच का एक कर दिया, ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशिया का डिक्रीज। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम हाफ डबल में इंक्रीज करना सीखेंगे। ये हमारा एक हाफ डबल का ब्लॉक है, तो देखिए इस तरह से मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब हम मान लीजिए नेक्स्ट स्टिच पर इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज का वही है, एक स्टिच पर दो बनाइए, तो एक स्टिच पर एक हाफ डबल बनाया, फिर उसी स्टिच पर दोबारा जाकर दूसरा हाफ डबल बना लिया। तो इस तरह से हमारा देखिए एक स्टिच पर दो बन गया। इस तरह से नॉर्मल इंक्रीज करते हैं। अब मान लीजिए मैं दो स्टिचेस और बनाती हूँ, तो अब मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज में भी सेम वही रूल होगा जैसे हमने सिंगल क्रोशिया में किया था, दो स्टिच का एक बनाएंगे। तो देखिए हाफ डबल में क्या करेंगे, इसे घुमाकर ऐसे करेंगे और बाहर निकालेंगे। अब इसका आखिरी स्टेप बचा है, इस ऊन को खींच के तीनों में से निकाल दिया तो बन जाएगा हाफ डबल, तो यहाँ पर इसे स्टॉप कर देंगे, फिर से यार्न ओवर करके ऊन खींच के बाहर निकालेंगे। तो देखिए दोनों को हमने शुरू किया लेकिन आधे आधे में छोड़ दिया। अब हम लास्ट में इस ऊन को खींच के इन सभी लूप्स में से निकाल देंगे। ये हमारा हो गया हाफ डबल का डिक्रीज। नेक्स्ट वाली स्टिच में नॉर्मल एक हाफ डबल बनाती हूँ। यहाँ पे दो स्टिचेस थे, इन दोनों के ऊपर एक बन गया, इस स्टिच का एक स्टिच बना है। देखिए फिर से डिक्रीज करते हैं, यहाँ पर ऊन खींच के बाहर निकाला, लास्ट स्टेप छोड़ दिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच पे इंसर्ट करके ऊन खींच के बाहर निकाला, दोनों का लास्ट स्टेप बचा हुआ है। अब इस ऊन को खींच कर सब में से निकाल देंगे और दोनों के लास्ट स्टेप को एक साथ पूरा करेंगे। तो इसी तरह से दो स्टिच का एक स्टिच बन गया। ये हो गया हाफ डबल क्रोशिया का डिक्रीज। अब हम देखते हैं कि डबल क्रोशिया में इंक्रीज कैसे होगा। तो ये मैंने एक डबल क्रोशिया का ब्लॉक बनाया है। सपोज इस स्टिच पर हमें इंक्रीज करना है तो एक स्टिच पर दो स्टिच बनाएंगे और इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हुक को इंसर्ट करके
हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, उसी जगह पे हुक को दोबारा इंसर्ट करके एक और डबल क्रोशिया बना दिया और इस तरह से एक जगह पर दो डबल क्रोशियाज बन गया। देखिए दोबारा देखते हैं, इस स्टिच पर इंक्रीज करते हैं, एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर इसी स्टिच पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से हमने दो स्टिचेस इंक्रीज कर दिए। पहले मैं दो स्टिचेस ऐसे बना लेती हूँ। सपोज देखिए अब हमें डबल क्रोशिया में डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करने के लिए वही रहेगा, दो स्टिचेस का एक बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया में तीन स्टेप्स होते हैं, एक तो हुक को इंसर्ट करके ऊन खींच के निकाला, दूसरा ऊन को खींच के दो में से निकाला और तीसरा स्टेप इस ऊन को खींचकर इन दोनों में से निकाला, तो डबल क्रोशिया कंप्लीट होता है। तो हम सिर्फ लास्ट स्टेप से पहले रुक जाएंगे, अब हम दूसरा स्टिच फिर से बनाना शुरू करेंगे। हुक को इंसर्ट करके ऊन खींच के निकाला, दो में से निकाला, इसे भी हमने आधे में छोड़ा। अब दोनों स्टिचेस के लास्ट वाले स्टेप्स बचे हुए हैं, अब इन दोनों को एक साथ ऐसे खींच लिया, तो ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया का डिक्रीज, दो स्टिच का एक बना है, ये देखिए। चलिए फिर से देख लेते हैं, एक डबल क्रोशिया हमने शुरू किया, ऊन खींच के निकाला, अब ये लास्ट स्टेप बचा हुआ है, यहाँ पे इसे छोड़ देंगे और दूसरा डबल क्रोशिया फिर से लेंगे। यहाँ से हमने ऊन खींचा, दो में से निकाला, इसे भी हमने आधे में छोड़ा। अब दोनों स्टिचेस के लास्ट स्टेप बचे हुए हैं, फिर दोनों को एक साथ हमने कंप्लीट किया, तो इस तरह से हमारा दो स्टिचेस का एक स्टिच बन गया। ये हो जाता है डबल क्रोशिए का डिक्रीज। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Do something creative every day. Thank you.